विद्यार्थियों, इससे पहले हम मर्दा, तापमान और जल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम एक नए पर्यावरणकार वायु के बारे में चर्चा करेंगे। वायु एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक। जल जो है, जल के बिना जंतु कुछ घंटे तक जीवित रह सकता है, लेकिन वायु के बिना उस मिनट तक भी जीवित रहना मुश्किल होता है। इसलिए वायु का महत्व जल से भी ज्यादा है। वायु क्या है? वायु वास्तव में गैसों का मिश्रण है, जिसमें विभिन्न गैसें अलग अलग अनुपात में पाई जाती हैं। सर्वाधिक मात्रा में 78% जो है नाइट्रोजन होती है, उसके बाद में लगभग 21% ऑक्सीजन और 0.9% आर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा बहुत सी अन्य गैस भी सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती हैं, जिसमें नियोन, मिथेन, क्रिप्टोन, जियोन, ओजोन, हीलियम, ये जो गैसें हैं ये भी वायु में मिश्रित होती हैं, पाई जाती हैं। ये सभी गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक बहुस्तरीय आवरण के रूप में पाई जाती हैं, जो प्राणियों के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण पाया जाता है वो वातावरण कहलाता है, और वातावरण को जो है टेम्परेचर के आधार पर 5 भागों में बांटा जा सकता है, या 5 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो पृथ्वी के ऊपर का जो भाग है ये कहलाता है क्षोभ मंडल, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर, यानी ये वातावरण का आधारीय स्तर होता है और लगभग 10 किलोमीटर तक फैला होता है और सजीवों के लिए क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस भाग में ऊंचाई के साथ साथ यानी प्रति किलोमीटर लगभग 6.5 डिग्री जो सेंटीग्रेड है टेम्परेचर डाउन होता जाता है, यानी जो जो ऊंचाई बढ़ती जाती है, ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता जाता है। इस क्षेत्र में यानी क्षोभ मंडल में जो मौसमी घटनाएं हैं, जैसे बादलों का बनना, ओलों का निर्माण, विद्युत चमकना, ज्वलन चमकना, ये घटनाएं होती रहती हैं। और इसके अलावा ये जो क्षोभ मंडल है इसमें गैसें तो पाई जाती हैं, गैसों के अलावा गैसों में जलवाष्प भी पाया जाता है, ध्रुवीकरण ये भी मिश्रित होते हैं। तो इस तरह से अपन बात करें तो पृथ्वी के ठीक का ऊपर का जो भाग है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ जो भाग है वायु का आवरण है, ये क्षोभ मंडल कहलाता है और जीवों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। इसके बाद में दूसरा जो लेयर है वो समताप मंडल कहलाती है, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में मौसमी घटनाएं या तो नहीं होती, यानी नहीं के बराबर होती हैं, या बहुत ही कम होती हैं, और जलवाष्प यहां पर टोटली अब्सेंट होती है। इसके अलावा अगर बादल पाए जाते हैं तो वो बहुत ही विरल होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, और अगर होते भी हैं, विरल भी अगर होते हैं तो कृष्ण के रूप में पाए जाते हैं। यहां पर ऑक्सीजन की प्रकाश रासायनिक क्रिया के कारण, यानी इस क्षेत्र में ऑक्सीजन की प्रकाश रासायनिक क्रिया के कारण ओजोन का निर्माण होता रहता है। ओजोन गैस जो है उसका निर्माण होता रहता है और एक ओजोन की परत बन जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है उनका ये अवशोषण कर लेती है, और इस तरह से ये जीवों के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। अब हम बात करें तीसरे स्तर की। जो तीसरा स्तर है वायुमंडल का या वातावरण का, ये जो है मेसोस्फीयर कहलाता है, और इस क्षेत्र में तापमान और वायुमंडलीय दाब जो है अत्यंत कम होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो जो ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। थर्मोस्फीयर चौथा जो परत है, चौथी जो परत है उसका नाम है थर्मोस्फीयर, और ये जो थर्मोस्फीयर क्षेत्र है इस क्षेत्र में सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों के कारण ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड का आयनीकरण होता जाता है, और ये जो स्तर है आयन मंडल कहलाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है और नाइट्रिक ऑक्साइड है इनका आयनीकरण हो जाता है, इस कारण से इस क्षेत्र को आयन मंडल भी कहते हैं। इस क्षेत्र में वायु के अणुओं में रिक्त स्थान होता है या ज्यादा होता है रिक्त स्थान, इस कारण से उच्च आवृत्ति की जो ध्वनि किरणें हैं, ध्वनि जो तरंगे हैं वो उनका संचरण जो है नहीं हो पाता, यानी अपन इस क्षेत्र में जो है जो एक दूसरे से अगर बात करते हैं आवाज है वो नहीं सुनाई देती एक तरह से,
ध्वनि तरंगों का संचरण यहाँ पर नहीं हो पाता। पांचवा जो स्तर है वातावरण का वो है एक्सोस्फीयर। ये जो क्षेत्र है मुख्यतः हाइड्रोजन हीलियम गैस युक्त होता है, यानी इस क्षेत्र में मुख्यतः जो गैस पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। साथ ही प्रकाश विकिरणों के कारण इस क्षेत्र का तापमान जो है बहुत अधिक होता है। अब हम बात करेंगे वायु का प्राणियों पर प्रभाव, तो इफेक्ट ऑफ एयर ऑन एनिमल्स। तो वायु जैसे हमने बात की थी, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण, और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनका जो है सजीव और वातावरण के बीच में जो चक्रण है, साइकिल है, वो चलता रहता है। ऑक्सीजन जो गैस है, वो भोज्य जो पदार्थ है, खाद्य जो पदार्थ है, उनका ऑक्सीजन करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो स्थलीय वातावरण है उसमें जो है ये सबसे ज्यादा मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन जो है जीवों की जो मेटाबॉलिक क्रिया है उसमें इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है और ये ऑक्सीजन संपन्न होता है। तो ये जो क्षोभ मंडल है, जो पृथ्वी का आधारित भाग है, वहां पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है। क्षोभ मंडल के अलावा जो जो ऊंचाई की ओर जाते हैं या समुद्र जल में गहराई की ओर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। अब जो हम बात करें गर्म जल और ठंडे जल की अगर तुलना करें तो गर्म जल में जो है ऑक्सीजन तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है और ठंडे जल में ज्यादा पाई जाती है, यानी गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में ऑक्सीजन जो है ज्यादा पाई जाती है। जलीय प्राणियों में ये जो है एक तरह से लिमिटिंग फैक्टर का कार्य करती है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन अगर पर्याप्त मात्रा में है तो उस क्षेत्र में जो है जीव जंतु है पर्याप्त मात्रा में या प्रचुर मात्रा में मिलेंगे, इनकी संख्या ज्यादा मिलेगी। और ऑक्सीजन अगर वहां नहीं है, उसकी संख्या जो न्यूनतम आवश्यकता की अगर जंतुओं को पूरी नहीं होती तो जंतु यहां से पलायन करेंगे या वो डेड होएंगे। इस तरह से जंतुओं के लिए एक तरह से लिमिटिंग फैक्टर कार्य भी करती है। वायु में या जो करें वायु जो है कोशिका की अर्धपारगम में झिल्ली से विसरण द्वारा गैसीय विनिमय के लिए एक तरह से क्रियात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब वायु जो है सेल तक पहुंचती है तो कोशिका की जो झिल्ली होती है अर्धपारगम में झिल्ली, उसमें से जो है ये प्रवेश कर और ऑक्सीजन क्रिया में ऑक्सीडेशन में भाग लेती है, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो CO2 बनती है वो वापस जो है वो विसरण द्वारा याद करने दिल्ली से होती हुई वापस जो है ये शरीर से बाहर निकल जाती है ब्लड के द्वारा। तो इस तरह विसरण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वायु में जल की तुलना में कम उत्प्लावकता पाई जाती है। उत्प्लावकता की बात अगर करें तो उत्प्लावकता क्या होती है, जब किसी तरल में कोई वस्तु या अगर ठोस वस्तु जब उसमें डुबोई जाती है तो उस तरल के द्वारा ऊपर की ओर एक दाब लगाया जाता है, तो वस्तु को बाहर की ओर धकेलता है, तो ये क्या कहलाता है, उत्प्लावकता। तो हम बात ये कर रहे थे यहाँ पर उत्प्लावकता की। तो वायु में जल की तुलना में कम उत्प्लावकता पाई जाती है, किसमें कम पाई जाती है, वायु में, और जल में ज्यादा पाई जाती है। तो वायु में उत्प्लावकता कम पाई जाती है जिससे वायु में जीवों का जो प्रबल गुरुत्वाकर्षण का सामना इनको करना पड़ता है, तो उत्प्लावकता कम होने से जीवों को यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का सामना ज्यादा करना पड़ता है कंपेरेटिवली जल के। इसके अलावा वायु के संपर्क में आने से जल का वाष्पीकरण होता रहता है, और वाष्पीकरण जो होता है जिसके कारण से जंतुओं में जो है निर्जलीकरण की समस्या आ जाती है, और निर्जलीकरण से कई बार जंतुओं की मृत्यु भी हो जाती है। अब जो है हम बात करें कि जंतुओं को वायु में प्रकाशीय उद्भासन का भी जो है अधिक समय तक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकाश है वो जल के बजाय जो है वायु में जो है जो जंतु होते हैं उनका उद्भास जो है, उनका आभास जो है वो लंबे समय तक होता है। कुछ जंतुओं में वायु जीवन के लिए उड़न अनुकूलन भी पाए जाते हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं तो पूर्ण रूप से वायु में रहता है, वो कुछ समय के लिए वायु में रहते हैं, लेकिन उस महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए जैसे भोज्य पदार्थ है, प्रजनन है या आवास है, इसके लिए पुनः उनको धरातल पर या जल में आना पड़ता है। तो ये पूर्ण रूप से वायु में नहीं पाए जाते। तो जंतुओं में वायु जीवन के लिए उड़न अनुकूलन पाए जाते हैं,
और ये अनुकूल होते हैं, इसमें से जैसे महत्वपूर्ण पाई जाती है और ये जो फिन है वो एक तरह से पैरासूट का काम करती है। इसी तरह से कुछ जो उड़ने वाले मेंढक हैं इनकी बात करें तो उनमें पाद जालक बनता है, पादों पे एक जाल सा बनता है जो उड़ने में इनको मदद करता है। इसी तरह से कुछ अन्य जैसे इंसेक्ट्स हैं उनमें जो है विंग है वो क्या है एक तरह से एक्सोस्केलेटन होता है, उसका जो है एक तरह से पार्श्व वलन होता है वो, तो वो उसका विकास हो जाता है। इसी तरह से बर्ड्स में जो है फैदर्स का डेवलपमेंट हो जाता है और ये जो जंतु है जो उनको वायु कहते हैं उनकी जो बोन्स है वो न्यूमेटिक होती हैं, हल्की होती हैं, इनमें एयर भरी होती है। और इसके अलावा ये भी देखा गया कि बर्ड्स में जो है लेफ्ट ओवरी जो है वो एब्सेंट होती है, ये भी एक तरह से इसका भार कम करने में मददगार होती है और ये उड़ने के लिए अनुकूलित होती है या अनुकूलन प्रदान करती है। इसी तरह से जो पक्षी वायवीय होते हैं जिनको हम वायवीय कहते हैं, जो जंतु वायवीय होते हैं उनमें तंत्रिका तंत्र और जो संवेदी ऑर्गन है उनमें वेल डेवलप्ड होते हैं और इनमें एयर सैक्स भी पाए जाते हैं, वायु आशय पाए जाते हैं। इस तरह से इन जंतुओं में उड़ने के लिए बहुत से अनुकूल पाए जाते हैं और जिससे अपने आसानी से जी पाते हैं।